जय माता की, जय मां आदि शक्ति। मैं सरवन राजपूत चंडीगढ़ से, मां दुर्गा रेकी एंड लामा फेरा हीलिंग सेंटर से आप सभी का दोबारा अपने इस सेंटर में स्वागत करता हूं। हम आपसे हर रोज़ एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको कभी मिसगाइड नहीं करते हैं। जो भी हमें नॉलेज है, जिस चीज़ का हम मेडिटेशन करते हैं या जो जो सही सही बातें होती हैं, हम आपके सामने सही इन्फॉर्मेशन देते हैं हमेशा और देते ही रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मंत्रा हीलिंग। मंत्रों से हम अपने मकान की या खुद की या अपने परिवार की हीलिंग कैसे करते, क्या मंत्रा हीलिंग इफेक्टिव होती है या नहीं। सीधी सी बात है, देखिए मंत्र कई प्रकार के होती है और अपने हिंदू शास्त्रों में, हिंदू जो ग्रंथ हैं उनमें अलग अलग टाइप के मंत्र हैं। प्रत्येक जो देवता के नाम हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं, उनके अलग अलग मंत्र होते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो ओम शब्द है उसके अंदर सब कुछ है। मां शक्ति भी ओम, भगवान शिव ओम है, ब्रह्मा विष्णु ओम है, भगवान गणेश ओम है, भगवान कृष्ण ओम, भगवान राम ओम। ओम एक डिवाइन वर्ड है। किसी भी नाम से आप मां शक्ति को याद करो, भगवान विष्णु को याद करो, भगवान शिव को याद करो, किसी भी इष्ट देव को याद करो, है ओम। जब तक ओम किसी मंत्र के सामने नहीं लगता तो मंत्र अधूरा रहता है और पूरा कभी नहीं होता। हाँ, साबर मंत्र में कहीं जगह पे ओम शुरू में नहीं लगता है। साबर मंत्र डायरेक्ट गुरु गोरखनाथ का के द्वारा के होते हैं, तो उसमें ओम किसी में लगता है, किसी में नहीं लगता है। तो मंत्रा हीलिंग क्या होती है कि आप जिस मंत्र को हर रोज अपनी पूजा में जोत जगाते समय सवेरे शाम उस मंत्र को जपते हो, याद करते हो, माला जपते हो, अगर आप उसको उसी मंत्र को पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ, अगर आप उस पे मंत्र पे जिस इष्ट का आप मंत्र जाप कर रहे हो उस मंत्र को, उस परमात्मा का नाम लेके जिसको आप जप रहे हो, और एक विश्वास के साथ, एक आस्था के साथ उस मंत्र को आप पढ़ के उच्चारण करके या अपने घर में बैठ के उस मंत्र का जाप करोगे, पढ़ोगे, तो उसके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। और वो पॉजिटिव वाइब्रेशन जो आपकी ब्लॉकेज नेगेटिविटी है, जो आपकी समस्या आपके जिंदगी में उत्पन्न हो रही है, जब आप उस मंत्र को, अपने खुद के मंत्र को एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ बोलने के साथ, अफर्मेशन जो होती है अपनी होती है कि किस पर्पज के लिए आप हीलिंग कर रहे हो, मंत्रा हीलिंग, और पॉजिटिव लेके उस मंत्र को यूज करोगे तो आपको मैं गारंटी के साथ ये बोलता हूँ कि 100% आपको उसकी मंत्र से पॉजिटिविटी मिलेगी, वाइब्रेशन मिलेगी, और जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है काम में या कुछ करने में, वो प्रॉब्लम दूर होना शुरू हो जाएगी। हमारे पास जो मंत्र है, हमारे अलग मंत्र हैं, कुछ तो हमारे बचपन से जो मैं पढ़ता आ रहा हूँ माला, और साथ में कुछ सिद्ध मंत्र हैं जिनकी हमने साधना की है ध्यान में बैठ के, मेडिटेशन करके। कई बार हम बीच में उठ भी जाते थे, कई बार ऐसा लगता था कुछ ज़्यादा ही चीज़ हमारे पास खड़ी है। जब किसी चीज़ को जब आप सही तरीके से करते हो, आराम से लाइट बंद करके मीठी मीठी लाइट में, तो आपको एक अनुभूति होती है उस चीज़ की कि आपके साथ खड़ी है, आगे खड़ा है कोई, पीछे खड़ा है। जब आप उस मंत्र का ध्यान से मेडिटेशन करते हो, साधना करते हो, तो आपको अलग अलग चीज आपके थर्ड आई से नजर आती है आंख बंद करके। तो हमारे जो सिद्ध मंत्र हैं, औरों का तो मुझे पता नहीं, मैं एक छोटा सा एक
छोटा सा भी लगा लो, कुछ भी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत अपना पूजा पाठ करते हैं माँ शक्ति के, बचपन से जो अभी करते आ रहे हैं और भी हैं, और मंत्र साधना भी हमारी डिफरेंट डिफरेंट। तो जो मंत्र हम करते हैं उनका प्रैक्टिकल सबसे पहले हम अपने ऊपर ही करते हैं। जब हमारे शरीर पर उस मंत्र का असर होता है पॉजिटिव किसी काम के लिए अफर्मेशन के साथ, तो हम उसको नेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं हीलिंग में। जो हमारे पास मंत्र इतने हाई लेवल एनर्जी के हैं, ये पानी में चार्ज करके देते हैं तो पानी भी आपकी बॉडी को, आपके मकान को हील करना शुरू कर देगा। और ये सभी जानते हैं कि मंत्र साधना, मंत्र मेडिटेशन जिसने किया है सही तरीके से, शुद्ध उच्चारण के साथ, सही गाइडेंस के साथ, तो उसको उस स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। तो आप जिस जिसके भी आप अपना ध्यान करते हो घर में या मंदिर में जाके, किसी भी धर्म से हो, तो उसका नाम भी एक मंत्र है। आप उस नाम को एक मंत्र के तौर पे, हथियार के तौर पे, यानी कि पॉजिटिविटी के तौर पे, अफर्मेशन के साथ अपने काम में यूज कीजिए, अपनी प्रॉब्लम में यूज कीजिए। तो वो मंत्र जैसे डॉक्टर दवाई देते हैं ना, मेडिसिन शरीर में लगते, कोई बीमारी रोग शरीर ठीक हो जाता है, उसी प्रकार मंत्र काम करते हैं। मैंने ओम त्रम्कम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक में वंदनात मृत्यु और मोक्षी महामृतात, ये मंत्र के बारे में मैंने आपको बताया था। इसको आप अगर मेडिटेशन करोगे इसका, तो अलग ही फीलिंग आपके शरीर में वाइब्रेशन आएंगी। खाली ओम शब्द का मेडिटेशन करोगे अलग आएगी। ओम कुंभकार जो एक बहुत बड़ा बिल्कुल लाइट गुरु नानक देव जी के गुरुवाणी बोल लो या मंत्र लगा लो, उसको करोगे अलग फीलिंग आएगी, मतलब वाइब्रेशन वही आनी है। ओम तुम दुर्गाय नमे, ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच, ओम नमे भगवती वासुदेवाय नमे, ओम भगवती लक्ष्मी नमे, हजारों मंत्र हैं। आप किसी भी मंत्र को आप मेडिटेशन कर सकते हो। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये कृष्ण भगवान राम का कंबाइंड मंत्र, इसको मोस्टली वैष्णव मत वाले बोलते हैं। इस्कॉन टेम्पल भी बोलते हैं, वैष्णव मत बोलते हैं, वैष्णव मत वाले इस मंत्र का यूज मोस्टली करते हैं। तो आप लोग अपने घर में जिसकी पूजा करते हैं उसका मंत्र अगर आपके पास सर, आपको सही गाइडेंस उस मंत्र को यूज करने की, आप उसको मेडिटेट करने की, तो आप उसको कर सकते हैं। आपको 100% उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिले ही मिलेगा। बाकी जिसमें ब्लैक मैजिक या दूसरी चीज है उसके लिए लावा फेरा हमारे पास है, तो करवा सकते हैं। तो मंत्रों के बारे में या मंत्रों को कैसे मेडिटेशन करना है, क्या तरीका होता है, अगर उसके बारे में आपको गाइडेंस लेनी है हमसे, तो हमारे YouTube के नीचे आप मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं, जो नंबर YouTube वीडियो के नीचे दिए जाते हैं। हम आपका जो भी, आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहेंगे हमसे, हम प्रॉपर तरीके से उसको आपको देंगे और आपको उसको बेनिफिट, उस चीज़ का बेनिफिट भी आपको नज़र आएगा। हम ज़्यादा अपने बारे में कुछ नहीं कहेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, हमारा जो इन्फॉर्मेशन होती है डेली, अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, 1% 10%, तो प्लीज़ आपसे ही एक उम्मीद है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ये चैनल आगे बढ़े, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। आप लोग यहाँ आएंगे, सेंटर में आएंगे, फ़ोन पे इन्फॉर्मेशन लेंगे, गाइडेंस लेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। नमस्कार, जय माता की, गॉड ब्लेस यू। भगवान आप सभी को सुख शांति प्रदान करे, प्रोस्पेरिटी प्रदान करे। जय माता की।